नमस्कार, मैनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। कस्बा आलीपुर खेड़ा में छाछा संकिसा मार्ग का सौंदर्यीकरण कार्य किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्रीय लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के ऊपर भेदभाव का आरोप लगाया है। देखिए हमारे संवाददाता शिवचरण राजपूत की ये रिपोर्ट। उपनगर आलीपुर खेड़ा में छाछा से संकिसा जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण किए जाने के लिए अवर अभियंता द्वारा सड़क के दोनों तरफ पेंट के प्रतिष्ठानों के दीवालों पर निशान लगवा दिए गए थे तथा लोगों के अनुसार दिसंबर माह तक समय तक जोड़ने के लिए दिया गया था। दिसंबर माह से ही आलीपुर पट्टी के एक साइड में महावली के द्वारा तोड़ना शुरू कर दिया गया। आलीपुर खेड़ा के बाजार को महावली पहुंचा तो लोगों ने स्वयं ही तोड़ना शुरू कर दिया। इस समय सड़क तथा प्रतिष्ठानों के टूटने में मलबा सड़क पर बिखरा होने के राहगीरों को पैदल निकलना भी दूभर हो गया है। वहीं प्रतिष्ठान मालिकों ने आरोप लगाया है कि आलीपुर पट्टी के मकान जो सड़क पर बने हुए हैं उन्हें अब तक नहीं तोड़ा जा रहा है, जबकि बाजार में दुकानों के टूटने से उनकी लगभग 2 से 3 माह के लिए दुकानें बंद रहेंगी, जिससे उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमशाद। ये जो दुकान टूट रही है आपकी जी, ये किस लिए तोड़वा रहे हैं? ये गवर्नमेंट के आदेश आए हुए हैं कि सड़क चौड़ी होगी, इसलिए हम तोड़वा रहे हैं। ये आप अपने पैसे से तोड़वा रहे हैं? हम अपने पैसे से ही तोड़वा रहे हैं। गवर्नमेंट का इसमें कोई सपोर्ट नहीं मिला, एक पैसे पर नहीं मिला। इसमें कोई मुआवजा वगैरह मिलना? नहीं, मुआवजे की कतई कोई सुनवाई नहीं है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? जी अब्दुल अहमद। ये जो आपके पीछे दुकान टूट रही है ये किस लिए तोड़ रहे हैं? ये साहब सड़क का आया है आदेश, सड़क बनेगी चौड़ी होगी, सड़क की चौड़ीकरण में तोड़ी जा रही है। नहीं तो इसमें कितना तोड़ने के लिए आपसे बोला है? अब लेखपाल साहब जो है वो निशान लगा गए थे, किसी का 1 मीटर, किसी का 1.20, किसी का 1.10, किसी का 90 सेंटीमीटर, उस हिसाब से। अच्छा, सूचना में आपको ये कुछ बताया गया कि आपको मुआवजा मिलेगा कि नहीं? नहीं, मुआवजे की साहब कोई बात नहीं हुई, और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अतिक्रमण भी नहीं था इस सड़क पर। अतिक्रमण जो लोग करें साहब वो तो आज भी करे हुए, अगर आप देखना चाहें तो ठेले वाले आज भी अतिक्रमण करे हुए, उन ठेले वालों को कोई हटाने वाला नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे सड़क बनने के बाद भी वो अतिक्रमण करे रहेंगे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। दुकानदारों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया है, सारे दुकानदार जो हैं वो बहुत भारी नुकसान में हैं और सबका व्यापार चौपट हो गया है। आप देख रहे हैं अड्डे तक भूकंप जैसी स्थिति बन गई है। ये दुकान आपकी टूट रही, इसमें आपका कितना नुकसान हो जाएगा? अरे नुकसान तो साहब लाखों रुपए का आपको दिख रहा है, 4-5 लाख रुपए का हमारा नुकसान है। ये अहमद दरा साहब हैं, इनका नुकसान 7-8 लाख रुपए का नुकसान है। सब दुकानें टूट रही हैं, सब कुछ देख रहे हैं आप सामने, बर्बाद हो गए लोग साहब। कोई पूछने वाला नहीं है सरकार की तरफ से, ना कोई मुआवजा है ना कुछ मिल रहा है।